बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 17 कोऑर्डिनेशन कंट्रोल के अंदर आज हम स्पाइनल कॉर्ड और ऑटोनॉमिक सॉरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे। स्पाइनल कॉर्ड और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में बात करेंगे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सो स्टार्टिंग फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, तो अभी तक हमने जो इसे मिटा देते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बाद में पढ़ेंगे तो इसे फिलहाल मिटा देते। तो अभी तक जो हमने यानी चीज़ें पढ़ी उसमें हमने ब्रेन पढ़ा था और पीछे हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम पढ़ी थी। सो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये किस में आते हैं? ये आते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ठीक। तो जो हमारा नॉर्मल ब्रेन था, हमने बात की थी लाइक दिस इज अवर ब्रेन फॉर एग्जाम्पल, सही। ऊपर सेरिब्रम था, सारे हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिए थे सेरिब्रम। फिर बीच में लिम्बिक सिस्टम आ रहा था, लिम्बिक सिस्टम, ठीक। लिम्बिक सिस्टम के अंदर हाइपोथैलेमस भी था और इसके अलावा उसके अंदर अमेगडेला था, हिप्पोकैम्पस था, वो सारे स्ट्रक्चर थे। और बीच में ये मिड ब्रेन था, मिड ब्रेन के नीचे मिडोला था, मिडोला ओब्लोंगटा, ओब्लोंगटा, ठीक है। इसके अंदर कन्वेंस पड़ी हुई थी इस तरह, जिस तरह कोई कुछ चीज लिपटी हुई हो, सही। खैर उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हम पीछे पढ़ चुके हैं। मिडोला ओब्लोंगटा जो सा है ये एक्सटेंड करता है नीचे की तरफ, सही। और ये जो नीचे एक्सटेंशन है यानी ब्रेन ब्रेन स्टेम से नीचे जो एक्सटेंशन है इसे हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। और ये रन करती है इन द वर्टिब्राए, ठीक है। ये यानी रन थ्रू वर्टिब्रल कॉलम कह लें कि वर्टिब्रल कॉलम के अंदर से ये रन करती हुई जाती है, ठीक है। रन थ्रू वर्टिब्रल वर्टिब्रल सॉरी वर्टिब्रल, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे, वर्टिब्रल कॉलम से, वर्टिब्रल कॉलम के जरिए नहीं, जो वर्टिब्राए होते हैं हमारे 33 वर्टिब्राए हैं तो उसमें से वो रन करती हुई जा रही होती है, ठीक। अब जो स्पाइनल कॉर्ड है, अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन देखें, क्रॉस सेक्शन मतलब हम इसे काट के देखें, तो वो हमें अंदर से कुछ इस तरह से नज़र आएगी, यानी बीच में बटरफ्लाई शेप की होगी और सॉरी ठीक है, यानी इससे सही डायग्राम नहीं बने। नीचे हम जब बात करेंगे स्टमक में पूरी डायग्राम भी दिखा दूंगा, ठीक है। और फिर बाहर से इस तरह वो स्फेरिकल होगी, ठीक है। जब हम इसका हम क्रॉस सेक्शन लेंगे तो हमें इस तरह अंदर से ये नज़र आएगा। तो बीच में ये ग्रे मैटर होता है, इसके ग्रे कलर का होता है, इसे ग्रे मैटर कहते हैं हम, ग्रे मैटर। और ये बाहर वाइट मैटर होता है, सही। और वाइट ग्रे मैटर से ही ना कुछ कह लें कि इस तरह नर्व फाइबर्स निकल रही होती है, नर्व फाइबर्स। और एक डॉर्सल साइड होती है, एक वेंट्रल साइड होती है, ठीक है, दोनों तरफ से निकल रही होती हैं, सही। तो जो ग्रे मैटर होता है इसके अंदर क्या होते हैं कि इसके अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, एसोसिएटिव न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स कौन से होंगे? एसोसिएटिव, एसोसिएटिव से क्या मुराद है कि जो यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बनाते हैं, हमने बात भी की थी कि जो इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं और उसके बाद उसे प्रोसेस भी करते हैं। न्यूरॉन्स मोस्टली इसके अंदर होंगे एसोसिएटिव, सही। और वाइट मैटर के अंदर भी न्यूरॉन्स ही हैं, लेकिन इसके अंदर सेंसरी और
सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, कि जो मैसेज को लेके आते हैं और मैसेज को लेके जाते हैं, सही। और दूसरा बड़ा मेन फंक्शन ये है कि ये नॉन माइलिनेटेड होते हैं, ठीक है, इनके ऊपर माइलिन शीट नहीं होती, नॉन माइलिनेटेड, ठीक है, जबकि ये माइलिनेटेड होते हैं, ठीक है, इनके न्यूरॉन्स के कह लें कि जो एक्सॉन है, एक्सॉन के ऊपर इसके माइलिन शीट चढ़ी होती है वाइट मैटर के जोन से होती है, ठीक है। इस तरह यहाँ से भी होता है, इसके नर्व फाइबर्स निकले होते हैं। सेंटर में ग्रे मैटर जो कि बटरफ्लाई शेप का है, बाहर वाइट मैटर जो कि सर्कुलर कह लें, और फिर उनमें से नर्व फाइबर्स निकल रहे होते हैं, ठीक है। मतलब मैं इसकी डायग्राम दिखा देता हूँ आपको, सही, ये डायग्राम है, सही। तो ये बीच में कौन सा मैटर है वाला, ग्रे मैटर, सही, और ये बाहर वाइट मैटर, सही। सो वाइट मैटर, ग्रे मैटर, तो इसके अंदर आपको देखें तो एक तरफ वेंट्रल रूट है जहाँ से इंफॉर्मेशन जो सी है वो किधर जा रही है, मसल्स की तरफ जा रही है, ठीक है, और एक डार्सल रूट है जहाँ से इंफॉर्मेशन वो आएगी इसके पास। अच्छा, ग्रे मैटर का एक और काम भी है, यानी ग्रे मैटर फंक्शन क्या करता है भला, ग्रे मैटर एक तो सेंड करेगा इंफॉर्मेशन टू ब्रेन, ठीक है, एक तो ये ब्रेन की तरफ इंफॉर्मेशन सेंड करेगा, ठीक है, अगर रिक्वायर्ड है तो। दूसरा, ये रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर हेल्प कर रहा होता है, ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन जो हमने इससे पहले पढ़ चुके हैं कि कुछ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होती है, मतलब जो ही आप किसी इमरजेंसी कंडीशन में, अगर आपका हाथ किसी गर्म चीज़ पे लगता है आप फ़ौरन हाथ हटा लेते हैं, तो उसकी आपकी सेंसेशन नहीं होती, यानी आपको महसूस नहीं होता कि आपको हाथ को गर्म लगा है, बल्कि आप फ़ौरन पहले हाथ हटा रहे फिर आपको पेन या गर्म फील होना शुरू होता है, सही। वजह ये होती है कि जो रिस्पॉन्स है वो जो उनसे है यानी स्पाइनल कार्ड दे देती है, और सेंसेशन के लिए जो स्टिमुलस है वो बाद में ब्रेन तक पहुंच पाती है, सही। तो रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर इसका बहुत रोल है। वाइट मैटर जो है वो यानी यानी रिसीविंग एंड सेंडिंग, ठीक है जी, कि ये रिसीव करेगा स्टिमुलस को और उसके रिस्पांस को सेंड करेगा, ठीक है, ये कह लें कि उस क्योंकि इसके ऊपर माइलिन शीट भी होती है, ठीक है, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स है तो मोटर न्यूरॉन्स या फिर सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, तो वो रिसीविंग या फिर सेंडिंग के अंदर इंफॉर्मेशन को हेल्प करते हैं, ठीक है, मतलब रिसीविंग के लिए डार्सल रूट है। अच्छा, इनके गैंग्लियन भी होते हैं, ठीक है, गैंग्लियन की भी बात करेंगे जब हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जाएंगे, क्योंकि ये आगे जो से ना ये नर्व फाइबर्स निकल रही हैं, नर्व जो ये बॉडी से सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती हैं, ठीक है, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की तरफ चली जाती है, वो हम जब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पर जाएंगे वहाँ पर बात करेंगे। सो ओवरऑल स्पाइनल कॉर्ड का क्या फंक्शन होगा, एक तो ये इंफॉर्मेशन सेंड करने के लिए यूज़ हो रही है ब्रेन की तरफ, रिफ्लेक्स एक्शन में यूज़ हो रही है, और रिसीविंग एंड सेंडिंग कहाँ से होगी, थ्रू आउट बॉडी, थ्रू आउट बॉडी, यानी इनका जो नेटवर्क है पूरी बॉडी के अंदर फैला होता है, ठीक है, और यानी ये कनेक्शन होता है बेसिकली जो सी ब्रेन का पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के साथ, ठीक है, कि ब्रेन ने बॉडी के साथ जो कनेक्ट होना है वो डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होता, बल्कि स्पाइनल कार्ड के ज़रिए ही नर्व फाइबर्स निकलती हैं जो पूरी बॉडी तक जाती हैं, ठीक है। सो उसके क्या फंक्शन होंगे, सेंडिंग इंफॉर्मेशन टू ब्रेन, रिफ्लेक्स एक्शन, और दूसरा रिसीविंग एंड सेंडिंग थ्रू आउट बॉडी, के जो इंफॉर्मेशन है उसके कह लें कि स्टिमुलस हो गया या फिर जो उसके रिस्पॉन्स हो गए वो सारे स्पाइनल कार्ड से जाएंगे। मसलन अगर आप यहाँ पे देखें तो ब्रेन सारी बॉडी से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है, बल्कि आपके जो लिम्स हैं मतलब पाँव वगैरह, आपकी जो टांगे हैं, आपके जो हाथ हैं, ये सारे ब्रेन के साथ थ्रू स्पाइनल कार्ड कनेक्टेड है, ठीक है। तो स्पाइनल कार्ड के अंदर अगर हम आगे जाके इसके सेक्शन करेंगे, ठीक है, कुछ सर्विकल्स होंगी, सर्विकल्स नर्व्स बनेंगी उसकी, ठीक है, उसमें से जो नर्व्स निकलेंगी, कुछ थोरेसिक होगी, कुछ लंबर, कुछ सैक्रल, ठीक है, ये रीजन्स होते हैं बॉडी के अंदर। अगर आपको वर्टिब्राए का थोड़ा बहुत याद हो, वर्टिब्रल कॉलम, तो उसमें जो सी सर्विकल वर्टिब्रल कॉलम वर्टिब्राए होते हैं, फिर थोरेसिक होते हैं, लंबर होते हैं और सैक्रल होते हैं। टोटल कितने वर्टिब्राए होते हैं भला, 33 वर्टिब्राए, और उसमें से 32 पेयर ऑफ नर्व्स निकलती हैं, ठीक है, इसे हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं, 32 पेयर्स ऑफ नर्व्स निकलते हैं, कुछ ब्रेन से भी डायरेक्ट निकलती हैं नर्व्स, ठीक है, वो होती हैं 12 इन नंबर्स, 12
पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, ठीक है, जो डायरेक्ट ब्रेन से निकलेंगे उन्हें हम क्रेनियल नर्व्स कहेंगे, जबकि जो स्पाइनल कार्ड से निकलेंगे उन्हें हम स्पाइनल नर्व्स कहेंगे, ठीक है। और ये जो नर्व्स हैं ये मिलके बनाती हैं आपका क्या वाला पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। बेसिकली अब हम किस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, क्योंकि अब हम ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से तो बाहर आ गए हैं ना, तो इसलिए पीछे हमारे पास ये जो सारे फाइबर जो थ्रू आउट बॉडी बिछे हुए हैं, यानी आपको नज़र आ रहे हैं, एक किस्म की वायरिंग हुई हुई है, तो ये वायरिंग सारी क्या कहलाती है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब हम मज़ीद इसके बारे में पढ़ते हैं कि मतलब एक तो इसके अंदर दो किस्म की नर्व्स हो जाएंगी, क्रेनियल नर्व्स जो कि 12 पेयर है और 32 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स। दूसरा, ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगी, इंफॉर्मेशन को आगे सेंड भी करती है, ठीक है, और इसका कनेक्शन होता है ब्रेन के साथ थ्रू स्पाइनल कार्ड। स्वाय जो होते हैं ना क्रेनियल नर्व्स, ठीक है, क्रेनियल नर्व्स जो सा ये डायरेक्ट कनेक्टेड होती हैं ब्रेन के साथ, ठीक है, इसको स्पाइनल कार्ड की ज़रूरत नहीं होती। बकाया जो इनकी रिसीविंग और ट्रांसमिशन है वो इसी तरह ही होती है, जिस तरह यहाँ आपको सामने नज़र आ रहा होगा कि मतलब ये यहाँ से स्टिमुलस लेके आती हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी उंगली जो सी है वो या हाथ आपका गर्म चीज़ पे रखा गया है, ठीक है, तो ये यहाँ से इंफॉर्मेशन लेके जाएगा, वहाँ से इसका रिस्पॉन्स जनरेट करके आगे ले जाएंगे, ठीक। तो यानी इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अगर हम बात करें, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो इसमें 12 पेयर जो से हो गए किसके वाला, क्रेनियल नर्व्स के, ठीक, और 32 पेयर जो से हो जाएंगे वो किसके होंगे, स्पाइनल नर्व्स के, सही। और पेयर से क्या मनाता है कि एक इनके डार्सल साइड होती है, ठीक है, जहाँ से कह लें कि इंफॉर्मेशन आ रही होती है, जिस तरह हमने ऊपर देखा था, ठीक है, ये डार्सल रूट ऑफ है, और एक इसके वेंट्रल रूट होता है जहाँ से इंफॉर्मेशन जा रही होती है, ठीक। अच्छा, हर डार्सल और वेंट्रल के साथ एक गैंग्लिया होते हैं, ठीक है, दोनों के अंदर आपको एक यानी नर्व्स हैव गैंग्लियास, ठीक है, कि गैंग्लिया गैंग्लियन इसकी सिंगल है, गैंग्लिया तो जमा है। सो गैंग्लिया क्या होता है, हम पहले भी बात कर चुके हैं, इट इज़ कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज, ठीक है, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज़ के, सेल बॉडीज़ की कलेक्शन होती है ये, और ये बेसिकली कह लें कि बकाया एक्जोन या फिर डेंड्राइट्स होते हैं, सेल बॉडी सारी यहाँ पे मौजूद होती है, ठीक है, यानी एक्जोन या डेंड्राइट्स इंफॉर्मेशन लेके आ रहे होते हैं, ठीक है। और सेल बॉडी का क्या काम है, हम पहले पढ़ चुके हैं कि इसके अंदर न्यूक्लियस होता है और ये ग्रैन्यूल्स बनाता है, यहाँ से बनना शुरू होते हैं, सही, इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है, सही। सो सेल बॉडी जो से है वो इनके पास होते हैं, मतलब यहाँ पे अगर हम देखें ये, अब वैसे आगे एक और चीज़ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर ना क्रेनियल नर्व्स होते हैं और स्पाइनल नर्व्स हैं, ठीक है। वैसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हमने दो में डिवाइड किया था, अगर आपको याद हो शुरू में जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी तो उसमें हमने कहा था कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये मोटर और सेंसरी न्यूरॉन्स है, ठीक है, मोटर एंड सेंसरी, ठीक है, इसके अंदर भी मोटर एंड सेंसरी होंगे न्यूरॉन्स, या चले हम मोटर सेंसरी लेदर से देख लेते हैं, मतलब पेरिफेरल नर्व सिस्टम, इसके अंदर एक मोटर है और एक सेंसरी, मोटर न्यूरॉन्स के ज़रिए जो बना हुआ है और एक सेंसरी न्यूरॉन्स। फिर इस मोटर के अंदर दो टाइप्स हैं, एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम है और एक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, सही। यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो किस्म के न्यूरॉन्स होते हैं, मोटर न्यूरॉन्स एंड सेंसरी न्यूरॉन्स। अब इनको इनके फंक्शंस आपको पता होना चाहिए, मतलब मोटर न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स हैं जो मैसेज ब्रेन से अफेक्टर ऑर्गन्स की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है, और जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं वो न्यूरॉन्स जो मैसेज को रिसेप्टर्स से ब्रेन तक लेके जाते हैं। फिर मोटर न्यूरॉन्स में दो हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम है जो बॉडी को कंट्रोल कर रहा था, ठीक है, बॉडी के
बॉडीज वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है। वॉलेंट्री एक्शंस यानी जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल क्या है, स्केलेटल मसल्स को, ठीक है, जो आपके कह लें कि बाजुओं के, टांगों के जो मसल्स हैं, हाथों के जो मसल्स हैं, इन्हें आप अपनी मर्जी से यानी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह क्या होती है कि ये पीछे सोमैटिक नर्वस सिस्टम्स का काम कर रहा होता है। कुछ ऐसे यानी मोटर न्यूरॉन्स होते हैं जो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी बनाते हैं। से ऑटोनॉमिक के अंदर फिर फर्दर दो टाइप्स हैं। अच्छा, ऑटोनॉमिक किसको कंट्रोल करेगा, ये इनवॉलेंट्री प्रोसेसेस को कंट्रोल करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हार्ट बीट हो गया, डाइजेशन हो गया, सही। फिर ऑटोनॉमिक को भी हम दो में डिवाइड करते हैं, एक तो इसमें है आपका सिंपथैटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिंपथैटिक नर्वस सिस्टम। ये शुरू में भी हम डिस्कस किया था जब हम क्लासिफिकेशन नर्वस सिस्टम पढ़े थे, सॉरी, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर सिंपथैटिक एंड पैरासिंपथैटिक, सही है। ये दोनों ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के, जो सिंपथैटिक नर्वस सिस्टम है ये फाइट एंड फ्लाइट के लिए है, मतलब जब इमरजेंसी कंडीशंस होती हैं, और जो पैरासिंपथैटिक नर्वस सिस्टम है ये रेस्ट की कंडीशन में, जब इंसान को कह लें कि इमरजेंसी कंडीशन ना हो, सिंपल मतलब इमरजेंसी कंडीशंस कौन से, जब आप कोई ज़्यादा हार्ड वर्किंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, या फिर यानी इट इज़ फॉर फाइट एंड फ्लाइट, ठीक है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो उनसे है वो रेस्ट की कंडीशन के लिए होता है, ठीक है जी, इन रेस्ट, जब आप यानी नॉर्मल रूटीन के काम कर रहे हो। फाइट एंड फ्लाइट की एग्जांपल क्या है कि जब आप कोई ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो, या फिर कोई कह लें कि इमरजेंसी कंडीशन का कोई काम हो, तो उसके उस केस में क्या होता है भला, यानी फाइट एंड फ्लाइट के केस में क्या होता है, आपकी जो हार्ट बीट होती है वो फास्ट हो जाती है, ठीक है जी, आपकी ब्रीथिंग फास्ट हो जाती है, हार्ट बीट, ब्रीथिंग, ठीक है, इसके अलावा आपकी डाइजेशन स्लो हो जाती है, डाइजेशन बिल्कुल रुक जाती है, जबकि रेस्ट की कंडीशन के अंदर आपकी हार्ट बीट लो होती है, ठीक है, ब्लड प्रेशर भी इसमें बढ़ जाता है, हार्ट बीट लो होती है, ब्लड प्रेशर लो होता है, नॉर्मल होता है जिसे हम कह लेंगे, और ब्रीथिंग भी स्लो होती है आपकी जब आप रेस्टिंग कंडीशन में हो, और डाइजेशन फास्ट होती है। सो ये दोनों में मेन फ़र्क है। अच्छा, ये जो काम है सिंपथैटिक और पैरासिंपथैटिक नर्वस सिस्टम, ये मोटर न्यूरॉन्स करते हैं। मोटर न्यूरॉन्स भी डिफरेंट टाइप्स के, मतलब जो पैरासिम्पथैटिक नर्वस सिस्टम है इसके अंदर मोस्टली आपके क्रेनियल नर्व्स होती हैं, ठीक है, ख़ास तौर पर वेगस नर्व जो कि 12 नंबर नर्व कहलाती है, ठीक है, ये भी क्रेनियल नर्व का एक पार्ट है, और ये यानी इसमें आपके प्यूपल भी जो है ना वो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, जब आप ज़्यादा कह लें कि एक्सरसाइज की कंडीशन में प्यूपल कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, ठीक है, सलाइवा का सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है, हार्ट बीट स्लो हो जाती है, सॉरी ये पैरासिम्पथैटिक है। सिम्पथैटिक में यह है कि इनहिबिट द सलाइवा, सलाइवा इनहिबिट हो जाएगा, पीपल डायलेट हो जाएंगे, हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी, ठीक है, ब्रोंकाई भी में ब्रीथिंग फास्ट हो जाएगी, ठीक है, और प्रिस्टालसिस रुक जाती है, और भी काफ़ी फंक्शन है, और यानी सिम्पथैटिक और पैरासिम्पथैटिक, सिम्पथैटिक किसके लिए है भला, एमरजेंसी कंडीशंस के लिए, और पैरासिम्पथैटिक किसके लिए है, रेस्ट की कंडीशन जब हो बॉडी में, ठीक है। तो इस तरह ये दोनों नर्वस सिस्टम जो होते हैं वो एक दूसरे के अगेंस्ट काम कर रहे होते हैं। और अगर हम इसमें नर्व्स की बात करें, जो सिंपथैटिक नर्वस सिस्टम है, तो ये मिडल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है जी, मिडल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, जो कि आपके कौन से रीजन बनेंगे, थोरेसिक कुछ बनेंगे और कुछ लंबर रीजन के आएंगे, ठीक है, उसके अंदर से न्यूरॉन्स निकल रही हैं फॉर सिंपथैटिक नर्वस सिस्टम, जबकि पैरासिंपथैटिक नर्वस सिस्टम के लिए क्रेनियल नर्व्स हैं, ठीक है, पैरासिंपथैटिक के लिए क्रेनियल है, और प्लस लास्ट जो सैक्रल्स में आते हैं, सैक्रल नर्व्स जो सी कोक्सिक बोन से निकल रही हैं, ठीक है, वो यूज़ हो रही है कोक्सिक बोन से ऊपर सैक्रल नर्व्स, ठीक, तो क्रेनियल पर सैक्रल, जबकि सिंपथैटिक के अंदर हमारे पास थोरेसिक की कुछ न्यूरॉन्स आ रहे हैं,
मतलब नर्व्स आ रही हैं थोरेसिक और प्लस हमारे पास दूसरी लंबर, ठीक है जी, लंबर की कह लें कि नर्व फाइबर्स आ रहे हैं। तो ये सिंपथेटिक के अंदर आते हैं, जिसके अंदर आपको सर अब डायग्राम के सामने मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये पैरासिम्पथेटिक के अंदर आते हैं, सही। तो ये हो गया हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और साथ स्पाइनल कार्ड को भी हमने कवर किया। बीच में आपको नज़र आ रहा है ये स्पाइनल कार्ड आ रही है, ठीक है, और ये ऊपर ब्रेन है। स्पाइनल कार्ड को कवर किया हमने। आगे हम नर्वस डिसऑर्डर की बात करेंगे।